हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछी गई है बच्चों। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट, उसी प्रकार से हमने स्टार्च का एक्सपेरिमेंट, और हमने इस तरीके से 2-3 लेक्चर कवर किए थे अपने, है ना। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद जो है स्वपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी के प्रकार, इन सारे टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे अभी तक वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को कंप्लीट कर ले, उसके बाद यहां जो आज की जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करें बच्चों। तो जो बच्चों पिछली क्लास में हमने जो विषमपोषी पोषक के जो प्रकार थे, हमने सारे प्रकार को हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ लिया था बच्चों। तो अब जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमीबा में पोषण, ठीक है। अमीबा में पोषण हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, अमीबा में पोषण। बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो अमीबा में पोषण यानी कि जो अमीबा होता है वो किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करता है बच्चों। तो पहले इसे इसको बताने से पहले हम बता दें, अगर आप अमीबा क्लास 9th में पढ़े होंगे तो जरूर आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। अगर बच्चों नहीं पढ़े हैं फिर भी कोई डरने की बात नहीं है। अमीबा एक जंतु कोशिका होती है और एक कोशिकीय होता है। फिर से, जो अमीबा होता है यह एक कोशिकीय जंतु कोशिका है, ठीक है, जंतु कोशिका है, पादप कोशिका नहीं है, ठीक है। यह जो है जो पानी होता है, जो तालाब का पानी होता है उसमें नॉर्मली ये बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। अभी भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, सिंगल सेल होता है तो क्या इसके पास माउथ होता है, क्या इसके पास पेट होता है, जैसे हमारे पास है ना, हमारे पास स्टमक है, हमारे पास डाइजेशन होता है, पूरा सब एक सीक्वेंस एक सिस्टम से कार्य होता है हमारे बॉडी में। तो क्या अमीबा में भी ऐसा होता है, अमीबा में भी जो अमीबा जो फूड होता है वो किस प्रकार से ग्रहण करते, सिंगल सेल है और हम अपनी उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ये भी है बच्चों कि हम उसको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते जब तक हम उसको माइक्रोस्कोप में न देखें। माइक्रोस्कोप में ही हम उसको देख पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है तो उसके पास मुंह भी नहीं है, माउथ भी नहीं है, फूड भी नहीं, मतलब उसके पास स्टमक भी नहीं है, तो भोजन खाता कैसे है ना। तो आज आपके दिमाग की सारी जो इस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं सब क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर के साथ हम आपको बता दें बच्चों, ध्यान से देखिए, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, आप जैसे भी बना दीजिए, क्योंकि यह अपना शेप जो होता है बदलता रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको जानते हैं, है ना, जो लोग नहीं जानते हैं वो आज जान गए हैं क्या कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता। तो चलिए हम यहां पर एक अमीबा का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही, ये जो है ये फिगर किसका है, अमीबा का है, ठीक है, इसमें कुछ वैक्यूल्स है। अब ध्यान दीजिएगा, अमीबा के समीप जैसे ही कोई भोजन आता है, जैसे ये भोजन है, पानी है अमीबा, जैसे ही कोई भोजन आता है वैसे ही अमीबा किस प्रकार से अपने भोजन को ग्रहण करता है। तो बच्चों ये फिगर थोड़ा सा बड़ा हो गया था, हम इसको थोड़ा सा छोटा और बनाते हैं या थोड़ा इधर करके बनाते हैं ताकि सारे फिगर आ जाए, क्योंकि 3-4 फिगर होंगे इससे। तो अमीबा जो है ये रहा अमीबा, इसका ये केंद्रक और इसमें वैक्यूल्स होंगे जिसको खाद्य रिफ्रिका कहते हैं, है ना, फूड वैक्यूल्स, ठीक है, और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो इसमें फूड होगा और भी सब कुछ इसमें उपस्थित है। जैसे ही अमीबा के समीप कोई भोजन आता है, अमीबा उसको, यानी जो अमीबा एक कोशिकी है, उस भोजन को ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो उसमें पदार्थ होते हैं, कूटपाद जिसको कहते हैं, ठीक है, स्यूडोपोडिया इंग्लिश में कहा जाता है, यानी पैर जैसी, पैर का काम करती है लेकिन पैर की तरह उसकी संरचना नहीं होती, इसलिए उसका नाम रखा गया कूटपाद। कूटपाद मतलब, कूट मतलब होता है पैर जैसा, मतलब पैर उसको नहीं कर सकते गलत, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया मतलब पैर जैसी संरचना होती है, ठीक है, कूटपाद मतलब पैर जैसी संरचना। तो जैसे ही फूड इसके समीप, जैसे ये फूड है कोई और फूड इसके समीप आया, उस दौरान जो ये अमीबा होता है अपना भोजन कूटपाद द्वारा अंतर्ग्रहण कर लेता है। मतलब ये होता है बच्चों ध्यान से देखेंगे, अमीबा जो है ये क्या काम करता है, इसमें जो फूड को ग्रहण करने के लिए क्या होता है, इसमें कूटपाद जैसी संरचना होती है जो इसके चलने फिरने में भी मदद करती है, मतलब अमीबा को गति करने में भी मदद करती है। अब ये जो फूड था जैसे यहां पर आया, अमीबा का जो ये सेल, जो सेल मेम्ब्रेन थी यानी कोशिका झिल्ली जो थी वो अंदर की तरफ क्या हुई, खिंच गई। जैसे ही अंदर की तरफ खिंच गई बच्चों, वैसे ही क्या हुआ, देखिए यहां पर, यहां पर खिंचा हुआ दिखाई दे रहा है, फोकस करिएगा,
ठीक है। तो ये अमीबा जो था ये अंदर की तरफ उसको क्या करा, खींच रहा। तो जो ये फूड यहां पर था, पानी के साथ ये अंदर आ जाएगा, पानी के साथ अंदर आ जाएगा, ठीक है, यहां आ गया। एक समय के बाद, एक समय के बाद होगा क्या कि इसको, इसकी जो ये कोशिका झिल्ली है ये टूट जाएगी यहां से, खींचते खींचते, जैसे रबड़ है, खींचो खींचेंगे तो आप क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। उसी प्रकार से ये क्या होगा, ये भी झिल्ली, इसकी जो मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगी, ये भी फट जाएगी और तुरंत ही जो फूड होगा वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसमें वैक्यूल नहीं बना, बना लेते हैं। तो ये जो फूड है इस कोशिका के अंदर आ जाएगा। मतलब बच्चों देखिए ध्यान से, हुआ ये कि अमीबा का ये जो कूटपाद बना है, जो कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ खींची तो पैर जैसे संरचना बन गई उसमें, और उसके बाद जो भोजन बाहर मतलब दूर था वो भोजन पानी की सहायता से कहां चला गया, थोड़ा से अंदर आ गया। एक समय बाद इसकी जो झिल्ली थी ये ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद फिर से क्या हो गई, बाहर उधर जाकर जुड़ गई, ब्रेक हुई और ब्रेक होने के बाद उधर क्या हो गई, जैसे वो खींचा टूटा, टूट के ऊपर जाकर वो क्या हो गया, तुरंत ही जुड़ गया। जैसे ही टूटकर वो जुड़ा तैसे ही भोजन कहां आ गया, अंदर आ गया अमीबा के, है ना, अमीबा के अंदर आ गया। और उसके बाद अमीबा के अंदर जैसे ही वो भोजन आया उसमें ये जो छोटे छोटे खाद्य रिक्तिका जो हम आपको दिखा रहे थे, ये भोजन फिर खाद्य रिक्तिका में प्रवेश कर जाता है। एक खाद्य रिक्तिका में भोजन कहां हो गया, खाद्य रिक्तिका में प्रवेश कर जाता है। खाद्य रिक्तिका में होते हैं पाचक एंजाइम, क्या होते हैं बच्चों, पाचक एंजाइम होते हैं। और ये पाचक एंजाइम जो होता है ये अमीबा के उस भोजन को, यानी जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको पचाकर सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देता है, ठीक है। यानी जो भोजन अंतःग्रहण के द्वारा अमीबा के अंदर आया उस भोजन को, इसका केंद्र बड़ा बना दे ताकि आपको कंफ्यूजन ना, ठीक है, उस भोजन को खाद्य रिक्तिका में भेज दिया जाता है। कौन भेजता है, ये इसकी सेल में होता है ऐसा। तो जब भोजन खाद्य रिक्तिका में जाता है तो जटिल जो कार्बनिक पदार्थ था वो सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाता है, जैसे ही मतलब भोजन पच जाता है, कह सकते हैं जो भोजन उसने खाया था वो भोजन पच जाता है, उसी को हम जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटने की क्रिया बोलते हैं। भोजन जैसे ही पचता है, पचने के बाद खाद्य रिक्तिका टूट जाती है, खाद्य रिक्तिका टूटने के बाद जो भोजन इसमें पचा था ये भोजन इस कोशिका में चला आता है, ठीक है। अब कोशिका में चला जाता है तो पूरे पूरे सेल में क्या हो जाता है, फैल जाता है। एक ही सेल है, पूरे सेल में क्या हो जाता है, ये फैल जाता है पूरा भोजन उसका, अमीबा को भोजन मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद जो अपचा भोजन होता है, बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, जो अपचा जो भोजन होता है इसमें, मतलब एक फिगर और हम यहां पर ड्रॉ कर दे तो बताएं हम आपको, जैसे जो अपचा भोजन मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, पहले तो अमीबा, अमीबा में ये जो खाद्य रिक्तिका थी क्या हो गई, ब्रेक हो गई और जो भोजन था इसमें क्या हो गया, बाहर उसने छोड़ दिया। ये जो भोजन था वो अपना बाहर इस सेल में क्या कर दिया, उसने छोड़ दिया, ठीक है। इसमें बहुत सारी खाद्य रिक्तिका है, ठीक। अब इस भोजन को जैसे उसने यहां पर छोड़ दिया, ये भोजन पूरे के पूरे सेल में फैल गया। अब भोजन डाइजेस्ट हुआ है बच्चों, तो उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी होगा। अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो अपचा भोजन होगा, उसमें जो अपचा भोजन है उसको अमीबा अपने शरीर से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। मतलब होता यूं है कि अमीबा में फिर से क्या होता है कि ये अमीबा, अमीबा जो है अपना कहीं से भी अपने वाल को ब्रेक करेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको शरीर से बाहर निकाल देगा बच्चों, ठीक है। अमीबा फिर से क्या करेगा, अपना भोजन बाहर निकाल देगा, ये फूड वैक्यूल है, ठीक। अनडाइजेस्टेड फूड को अपने वाल को तोड़ा और तोड़ने के बाद उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर हुआ अंतर्ग्रहण, ठीक है, अंतर्ग्रहण हुआ। यहां अंतर्ग्रहण मतलब ये प्रक्रिया यहां पर चल रही है, मतलब ये प्रोसेस दोनों अंतर्ग्रहण के हैं। भोजन चलाता है इसके अंदर, भोजन अंदर जाता है तो यहां पर क्या होता है, यहां पर पाचन होता है, ठीक। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां ये पाचन की क्रिया हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, ये भोजन जो था वो पूरे शरीर में क्या कर दिया जाता है, इसके छोड़ दिया जाता है, तो भोजन का अवशोषण और स्वांगीकरण यहीं पर हो जाता है। इसमें भोजन का अवशोषण तथा स्वांगीकरण, ठीक है, भोजन का अवशोषण तथा स्वांगीकरण यहीं पर हो जाता है। मतलब भोजन जो पचा हुआ भोजन था उसके खाद्य रिक्तिका से बाहर निकल जाता है और निकलकर इस अमीबा में, अमीबा की कोशिका में फैल जाता है। उसके बाद जब ये भोजन, अपचा भोजन जब अपने शरीर से बाहर निकलता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
उत्सर्जन। ठीक है, तो ये रहा अमीबा में क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान टॉपिक था और एग्जाम में 3 नंबर 2 नंबर का पूछा जाता है। एक बार हम इसको वापस रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अमीबा में क्वेश्चन कैसे आप लोग लिखेंगे इसको, अभी हम लिखवा भी देते हैं लेकिन पहले समझ लीजिए आप लोग। अमीबा एक कोशिकी जीव है, ठीक है, अमीबा एक कोशिकी जंतु है कह सकते हैं, ठीक, ये कह सकते हैं यहां पर अमीबा एक कोशिकी जंतु है, ठीक है, और यह अपने भोजन को कूट पार द्वारा ग्रहण करता है, और ये कहीं से भी कर सकता है, पूरे अपनी कोशिका जो इसका आवरण है यहां से कर सकता है, यहां कहीं भी कूटपादी बन सकता है। भोजन अगर यहां आता तो अपना मेम्ब्रेन इधर लेकर आता तो यहां कूटपाद बन जाता है ना, यानी कि यह जो बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को कूटपाद कहते हैं, यानी पैर जैसी संरचना जिससे अमीबा चलने का भी काम करता है और भोजन को ग्रहण करने का भी काम करता है, दोनों काम करता है बच्चों, ठीक है। तो अमीबा में पोषण, ठीक है, क्या होता है कि अमीबा एक कोशिकी जंतु है और यह अपना भोजन कूटपाद द्वारा ग्रहण करता है, यानी कूटपाद द्वारा करता है, कूटपाद अंदर की तरफ उसको क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। जब यह अपना भोजन कूटपाद द्वारा ग्रहण करता है तो ग्रहण किया हुआ भोजन कहां जाता है, खाद्य रिफिका में जाता है, ठीक है। तो इसका नाम मतलब यहां पर लिख देते हैं, इसका नाम क्या है, केंद्रक है, केंद्रक। इसका नाम क्या है, खाद्य रिफिका, ठीक है, ठीक। और इस ये कोशिका झिल्ली है, लिख सकते हैं आपको, कोशिका झिल्ली है, और उसके बाद जो इसके अंदर द्रव्य भरा होगा कोशिका द्रव्य होगा, ठीक है बच्चों। फिर से देख लीजिए आप लोग, फिर से क्लियर कर देते हैं इसको हम। अमीबा में क्वेश्चन, अमीबा एक कोशिकी जंतु कोशिका है, अमीबा एक कोशिकी जंतु कोशिका है, ठीक है, और यह अपना भोजन कूटपाद द्वारा ग्रहण करता है, ठीक, इतना तो हो गया, कूटपाद द्वारा ग्रहण करता है। ग्रहण किया गया भोजन, आप लोग लिख रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं उसे लिखना है, ठीक है। ग्रहण किया हुआ भोजन किसमें जाता है, खाद्य रिक्तिका में प्रवेश करता है, खाद्य रिक्तिका में, आगे लिखेंगे, ग्रहण किया हुआ भोजन खाद्य रिक्तिका में प्रवेश करता है, खाद्य रिक्तिका में पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है बच्चों, क्या बोला हमने, खाद्य रिक्तिका में पाचक एंजाइम होते हैं, जो कि जो भोजन खाद्य रिक्तिका में प्रवेश किया है, आगे लिखेंगे इसमें, जो भोजन खाद्य रिक्तिका में प्रवेश किया है, हो गया, उस जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में, उस जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में पचा लिया जाता है, हो गया। अब यहां आएंगे, पचा हुआ भोजन खाद्य रिक्तिका से बाहर निकलता है, जिसका अमीबा द्वारा पचा हुआ भोजन खाद्य रिक्तिका से बाहर निकलता है, ठीक है, जिसका अमीबा द्वारा अवशोषण तथा स्वांगीकरण किया जाता है, ठीक है बच्चों, अवशोषण तथा स्वांगीकरण किया जाता है, हो गया, इतना राइट कर लिया आप लोग, ठीक। अब अपचा भोजन, अमीबा में उपस्थित अपचा भोजन, अपचा भोजन उसके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, उसके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, आप वहां पर लिख सकते हैं, उसके शरीर से उत्सर्जन क्रिया द्वारा उसको भोजन, अपचा भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है, आसान था, बहुत आसान था बच्चों। फिर से देख लीजिए अमीबा में पोषण क्या था, समझा देते हैं आप लोग, लिख लिए होंगे तो, अमीबा जो होता है एक कोशिकी क्या है, जंतु कोशिका है, ठीक है, जैसे ही उसके समीप कोई भोजन आता है तो उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है अंदर की तरफ खींच जाती है, जब अंदर की तरफ यहां पर देखिए खींचती है तो कूटपाद का निर्माण करती है, यह कूटपाद अमीबा में भोजन के अंतःग्रहण तथा अमीबा को गति करने में मदद करता है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, ठीक है। अब एक समय बाद ये जो कोशिका झिल्ली है वो टूट जाती है, उसके बाद जो भोजन होता है कोशिका के अंदर चला जाता है, जैसे ही कोशिका के अंदर जाता है तो वो भोजन खाद्य रिक्तिका में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करता है खाद्य रिक्तिका, यहां हम नाम लिखेंगे, खाद्य रिक्तिका में प्रवेश करता है, खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, पाचक एंजाइम होता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को क्या कर देता है, तोड़ के सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देता है, उसको पचा देता है। अब पचा हुआ भोजन जब इसमें खाद्य रिक्तिका में पच जाता है तो खाद्य रिक्तिका से वो बाहर निकल जाता है, जिसमें क्या होता है, अमीबा क्या करता है, उस भोजन का जो पचा हुआ भोजन है, लिक्विड है, उसका अवशोषण कर लेता है और पूरे अपने शरीर, अपने पूरे अमीबा के जो सेल है, मतलब ये सेल है उसके चारों तरफ पहुंचा देता है, यह क्रिया क्या हो जाती है, स्वांगीकरण हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद
कुछ भोजन उसमें अपचित रह जाता है, जो अपचित भोजन होता है वो उसे क्या करता है अपने शरीर से कहीं से भी तोड़कर उत्सर्जित कर देता है, यानी बाहर निकाल देता है। इतना क्लियर हो गया बच्चों, कोई टेंशन नहीं, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल था, है ना, हलवा जैसा, हलवा घर पे बैठ के हलवा खाओ, हाँ क्यों नहीं, इस समय कहीं जाना नहीं तो बनाओ खाओ, मजे से रहो और पढ़ाई करते रहो, नोट्स कंप्लीट करते रहो, ठीक है। बहुत आसान था सर जी, अब नोट कर लेंगे, एक नोट लिख लेंगे। नोट क्या है, नोट हम लिखवा रहे हैं पहले, उससे पहले एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो पैरामीशियम का फिगर ड्रॉ कर दिए आप, या ये जो चप्पल बना रहे हैं आप, तो हाँ बच्चों अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो चप्पल जैसा ही होता है, क्लास नाइन्थ में पढ़ ली होंगे अच्छा। ठीक ठीक है ना, ये अमीबा का पश्चमाभ है चारों तरफ, ठीक है, पश्चमाभ जिसे कहते हैं। उसके बाद देख रहे हैं पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर चारों तरफ पश्चमाभ है, ये इसका क्या है, मुख गुहा है, पैरामीशियम है बच्चों, और ये क्या है, रिक्तिका है, ठीक रिक्तिका, इन्हें दिख रहा होगा, सही से लिख दे, हो गया मुख गुहा हो गया। उसके बाद इसमें केंद्रक होते हैं, और मतलब केंद्रक भी होता है इसमें, और भी छोटे छोटे कड़ इसमें पूरे फैले होते हैं। पैरामीशियम भी बच्चों एक कोशिकीय जंतु कोशिका है, फिर से बता दें, एक कोशिकीय जंतु कोशिका है। इसके सारे प्रोसेस जो होते हैं बच्चों वो किसके द्वारा होते हैं, इसके चार, इसके जो सारे प्रोसेस है अमीबा जैसे ही होते हैं, बट इसमें भोजन जो होता है, जैसे ये भोजन है, या भोजन ये पश्चमाभ जो होता है, पश्चमाभ द्वारा इसके मुख गुहा के पास लाया जाता है, उसके बाद इसका अंतःग्रहण किया जाता है। तो नोट में आप लोग यही लिखेंगे कि अमीबा की तरह, यानी उसमें लिख देंगे अमीबा की तरह पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जंतु कोशिका है, एक कोशिकीय जंतु कोशिका है, ठीक है। क्या लिखा आपने, पैरामीशियम भी अमीबा की तरह एक कोशिकीय जंतु कोशिका है, इसमें भोजन का अंतःग्रहण, आगे लिखेंगे, इसमें भोजन का अंतःग्रहण पश्चमाभ द्वारा भोजन को भोजन को मुख गुहा के पास लाया जाता है, ठीक है, यानी भोजन को पश्चमाभ द्वारा मुख गुहा के पास लाया जाता है और उस भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है, मतलब ये भोजन इसके अंदर जाएगा, अंतःग्रहण किया जाता है, और अंदर गया हुआ भोजन रिक्तिका में प्रवेश करता है, बाकी सारी क्रिया अमीबा जैसी होती है। लिख लिए ना, फिर से बोल देते हैं, नोट क्या, फिर इसमें आपने आपको क्या लिखना था, पैरामीशियम भी अमीबा की तरह होता है ना, पैरामीशियम भी अमीबा की तरह एक कोशिकीय जंतु कोशिका है, इसमें भोजन का अंतःग्रहण पश्चमाभ द्वारा, ये पश्चमाभ दिखाई दे रहा है अंगुली जैसे प्रवर्ध दिखाई दे रहा है, और जिसका जो ये आवरण दिखाई दे रहा है प्रोटीन का बना होता है, जिसको पेलिकल कहते हैं, ठीक है, पेलिकल का आवरण होता है जो, तो पश्चमाभ द्वारा भोजन को मुख गुहा के पास लाया जाता है और उसके बाद उस भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है। अंदर गया हुआ भोजन कहां प्रवेश करता है, खाद्य रिक्तिका में, रिक्तिका देख रहे हैं, तो खाद्य रिक्तिका होती है, अंदर गया हुआ अंतःग्रहण किया हुआ भोजन खाद्य रिक्तिका में प्रवेश करता है, उसके बाद सारी क्रिया कैसी होती है, उसके बाद सारी क्रिया अमीबा के जैसी होती है। कंप्लीट, आज की टॉपिक यहीं तक थी बच्चों, और आज आपने अमीबा तथा पैरामीशियम के बारे में समझा, और एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है ना, पते की बात बता दें, एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट अमीबा वाला है, ये जो इसका वाला तो केवल नॉलेज के लिए जान लीजिए, अमीबा वाला इंपॉर्टेंट है, फिगर भी इंपॉर्टेंट है उसका, और उसका जो लिखवाए वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट डे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बची है हमारी अभी, क्या,
मनुष्यों में पाचन कैसे होता है। मजा आएगा पढ़ने में, एकदम इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे आप क्लास को। तो आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी तो बताइए, समझ में आ गया तभी बताइए, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में क्या नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, और अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर ले, और अगर आप नए हैं तो पहला दूसरा तीसरा जो भी लेक्चर है उसको देखिए पहले, उसके बाद इसको देखिए, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही था, थैंक यू सो मच, आप बने रहें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।